In a faraway land, there was a god. Every kind of music. So it's 6:45 in the evening, and गर्मियाँ तो आ चुकी है and the day starts. From here, क्या बताएं अब, काम इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था दिन के अंदर कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था टू रिकॉर्ड अ वीडियो और टू जस्ट स्टार्ट अ व्लॉग. रीज़न, कॉलेज हो गया, माय मदर वाज गेटिंग वैक्सीनेटेड, ये हो गया, तो अभी सारी चीज़ें थी. सो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन. बी यू ग्रेट न्यू, 10,000 जल्दी होने वाले हैं. इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड चलो पहले छत पर चलते हैं, उसके बाद बाइक पर. इसको बंद नहीं करूँगा, छत का जो लॉक है वो ख़राब हो चुका है एंड इसको अंदर से अगर बंद कर दो तो ये खुलता नहीं है. एंड इट्स वेरी नाइस सीइंग एवरीवन ऑन द टेरेस, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला. एंड अपना दिल्ली का यही शेड्यूल है कि बस छत पर आओ, हैव अ गुड टाइम, रिलैक्स. क्या सब लोगों ने ये नोटिस किया है दैट ड्यूरिंग दिस मौसम इन अप्रैल, मे, जून, अप्रैल एंड मे के बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है. मतलब अभी मुझे फील होने लगी है पिछले एक दो दिनों से गर्मी, लेकिन इसके अंदर हमें एसी चलाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अभी जो है वो एसी चलाने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि द मौसम इज़ गोइंग ग्रेट एंड बारिश जल्दी से शुरू हो जाए, जून में शुरू हो जाएंगी, तो जो मई की गर्मी है ये थोड़ी सी बेयर करेंगे. एंड मैं चाहता हूँ बस खुले, बाहर की चीज़ें खुले हैं यार, जल्दी सब ठीक हो. रिकवरी रेट इज़ गोइंग फैबुलस दीज डेज, 2.5 लाख रिकवरीज आ रही हैं दिन की, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. एंड जो लास्ट व्लॉग है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतना ज़्यादा ठीक हूँ उसके अंदर थोड़ा सा ग्राफ डाउन चला गया था. ग्राफ डाउन मतलब जो इमोशंस थे वो कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल के आ रहे थे. चाणक्यपुरी में कुछ ज़रूरी काम, सो लेट्स गो देयर टुडे एंड जस्ट हैव अ 0 to 100 क्लॉक स्पीड टेस्ट ऑफ आर क्लासिक 350 BS6. इसके अंदर बाइक के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस मॉड्यूलेशंस नहीं है, एकदम स्टॉक बाइक है, तो साइलेंसर इज स्टॉक. मुझे तो लग रहा है कि दैट इन 0 to 100 इट विल गो इन 15 seconds और समथिंग. आपको क्या लगता है कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू आर न्यू देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो ये काफ़ी चीज़ आपके काम आने वाली हैं. चलो अंधेरा होने से पहले चलते हैं बाइक पर. आई हैव स्टार्टेड द बाइक एंड चलो यार, ये चीज़ जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था एंड आज तो लिटरली शाम के 6 बजे से ऊपर हो गए हैं एंड मुझे तो कोई उम्मीद बची नहीं है कि लॉकडाउन खुलने वाला है, क्या होने वाला है. सो इट्स बेटर कि किसी काम के बहाने आप ये सारे काम कर लो. लेकिन एक फैक्ट है, जब से इसकी सर्विस कराई तब से गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो गई है. आपने वीडियो नहीं देखी तो यू कैन गो एंड सी द वीडियो. एंड रुक जाओ यार, थोड़ा सा जाने दो. एंड आई थिंक देयर इज पब्लिक गैदरिंग अलाउड इन अ वेरी स्मॉल रेशियो. बताओ ये भी कैसी शादी यार, जहाँ पर एकदम ही कम सीन हो आने का जाने का. ओहो, ये लॉकडाउन के अंदर एकदम वो खुल जाते हैं, इनका मन खुल जाता है लॉकडाउन के अंदर. मतलब लोग गाड़ियाँ हैं नहीं, देन चलो. द कार्स आर मिनिमम ऑन द रोड एंड जहाँ मुझे जाना है वो पड़ता है हमारा ऑलमोस्ट चाणक्यपुरी के अंदर. तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपसे कर देता हूँ कुछ बात, नहीं तो हो जाएगा मुझे आते आते अंधेरा. एक तो रोड्स खाली हैं तो इसकी वजह से हमें एक बड़ा एडवांटेज मिल गया है कि हम अपनी बाइक को पुश कर सकते हैं. देखो अभी जो है आपको अपनी बाइक को पुश करने का 100, 110, 120 पे भगाने का बिल्कुल भी सीन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपकी बाइक ऑलरेडी 80 पर क्रूज़ कर रही है. 80 पर क्रूज़ करते करते यू विल, मतलब इट्स ईजियर फॉर यू कि यार तुम क्रूज़ करो, इसको ज़्यादा भगाओ मत, इसको ज़्यादा पुश मत करो. लाइक मेरे आगे एक बुलेट जा रही है, देखो हमेशा जब भी मैं एग्जांपल देने की बात करता हूँ मेरे आगे हमेशा कोई ना कोई बुलेट होती है. तो मेरे आगे जो बुलेट जा रही है इसको आप देखोगे तो फिर दे आर क्रूजिंग, राइट, दे आर नॉट जस्ट रेविंग देयर बाइक्स और जस्ट दे आर पुशिंग देयर बाइक्स. आई मीन वेन एवर यू आर जस्ट राइडिंग योर बाइक, ट्राई कि क्रूज़ करो ताकि आपकी एवरेज, आपके स्पेयर्स एंड आपकी लाइफ ज़्यादा डेंजर में ना आए. आज की जो वीडियो मैं सुपरविजन के अंदर चलाऊंगा दैट रोड एकदम खाली हो एंड देर इज़ नो चांस देर वुड बी एनी व्हीकल इन बिटवीन. अब ये मत बोलना कि टॉप स्पीड अचीव करो, टॉप स्पीड ये करो वो करो, नहीं. आई वुड बी अचीविंग द टॉप स्पीड इन दिस बाइक स्पेसिफिकली बिकॉज इसको हार्श चलाने का मूड मेरा बिल्कुल भी नहीं है एंड द सनसेट इज़ सो ब्यूटिफुल यार. आराम से एक हल्के थ्रॉटल पे 100 पहुंच जाती है. जिन लोगों ने मेरे पोल का जो रिप्लाई था वो दिया था कि 100 नहीं पहुंचेगी, क्या मतलब आपका, मतलब खिलौना थोड़ा ना ये 100 नहीं पहुंचेगी, बताओ.
करने एकदम से पूरा थ्रॉटल नहीं देना है, थ्रॉटल को धीरे 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 लेके जाओ, और इतना भी तेज मत ले जाओ कि बस आपको पता चले कि यार एकदम से आसमान छू लेंगे, नहीं। जहाँ तक बात आती है 0 से 100 की हाउ मच सेकंड्स, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाई देता हूँ। एंड दिस थिंग विल कनेक्ट टू दैट कैनॉट प्लेस समथिंग यार, सही है, मतलब आप सीधा वेस्ट दिल्ली से सीधा सेंट्रल दिल्ली पहुँच जाओगे, नाइस। एंड जब आपको इस बाइक के ऊपर एक ट्रैफिक में राइड करना हो या फिर एक ऐसी रोड पर जहाँ पर इतना ट्रैफिक ना हो एंड यू वॉन्ट टू अटेन अ गुड स्पीड, देन यू कैन डू इट। मैंने शुरू के अपनी वीडियोज़ में कहा था कि दैट इसकी जो ब्रेकिंग है वो अच्छी नहीं है, तब मैंने ये सोच के ज़रूर कहा था कि यार मेरा जो राइडिंग का तरीका है वो प्रोफेशनल उस टाइम पे नहीं था, मतलब आई वॉज जस्ट राइडिंग द बाइक लाइक नॉर्मल पर्सन डज, तो उसके अंदर मेरी कमी थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई द ब्रेक्स एंड आई लव दिस ब्लैक कलर यार, आई डोंट नो व्हेन दैट टाटा नेक्सॉन ब्लैक एडिशन विल अराइव। ओह झटका लगा बड़ा तेज, एंड सभी तेज चला रहे हैं यार रास्तों, एंड रोड्स भी बन गए हैं यहाँ पे, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि यहाँ पर रोड्स का जो काम है वो सारा ख़त्म नहीं हुआ है, यस सीरियसली जो जितना सारा काम है दैट इज़ नॉट फिनिश्ड। एंड मेरे को यहाँ का एक इंसिडेंट इतना तगड़ा याद है दैट आई वॉज कमिंग थ्रू माई कार ओवर हेयर एंड जस्ट सीरियसली एवरीथिंग वॉज वेरी मेस्ड अप यार, वेरी मेस्ड अप। कोई बात नहीं, चलो पुलिस चेक्स हर जगह हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट पुलिस जो है हमारी कंट्री के अंदर बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रही है, यस यार। एंड जो अपना काम था दैट आई हैव टू कलेक्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट वो हो चुका है एंड यू कैन सी ऑल द पुलिस बैरिकेड्स ओवर हियर। गाइस अपना जो ध्यान है वो एकदम ध्यान से रखना, ध्यान तो ध्यान से ही रखा जाएगा और एकदम ध्यान से रखना क्योंकि सीन जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है कोविड वगैरह का, तो अपना ध्यान रखना। आपको क्या करेंगे, थोड़ी सी आगे जो पैच खाली मिलेगा हमें धौलाकुआ में वहाँ पर हम करेंगे इसका स्पीड टेस्ट बिकॉज द ट्रैफिक ओवर हियर इज़ वेरी हाई, तो वहाँ करेंगे, लेट्स रीच देयर एंड टिल देन यू कैन एंजॉय द झटके देती है यार, इसके स्प्रिंग्स जो है वो काफ़ी स्टिफ हैं, स्टिफर साइड पे है, मतलब थोड़े हार्ड साइड पे हैं एंड आई कैन फील कि इतने दिनों बाद बाइक निकली है तो फिर दिस इज़ रनिंग वेरी स्मूथ एंड सर्विस के बाद इतना अच्छा मैंने इसको अभी चलाया है। आप में से काफ़ी लोगों के वो थे क्वेश्चंस थे कि मैं कहाँ से अपनी जितनी भी एक्सेसरीज हैं बाइक के लिए वो लेता हूँ, सच एज दिस चार्जर, दिस कैप्स, ये हो गई एंड जितनी भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सारी मैं परचेज करता हूँ फ्रॉम मोटो स्टोर इंडिया एंड जितने रिफ्लेक्टर्स आप देख रहे हो दीज आर ऑल फॉर सेफ्टी, तो ये जितनी चीज़ें हैं दीज आर ऑल परचेज फ्रॉम मोटो स्टोर इंडिया, डू चेक द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ज़रूर चेक करना। ओह ये मैं सीरियसली आप सबके लिए इतने बड़े सरप्राइजेस प्लान कर रहे थे कि 10,000 जैसे ही हो जाएंगे कि हम लेकर आएंगे अपनी काफ़ी अच्छी कलेक्शन ऑफ एक्सेसरीज दैट वुड बी ब्रांडेड बाय आर टीम, बाय मी, बाय मोटो स्टोर इंडिया एंड ध्रुव तनवर। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बिग थिंग्स आर कमिंग अहेड, पर अगर आई एम वेरी मच अफ्रेड कि अगर कोविड का सीन रहा एंड लॉकडाउन नहीं खुला तो इट वुड बी वेरी हार्ड ब्रेकिंग फॉर मी टू जस्ट रीशेड्यूल द थिंग्स, क्योंकि रीशेड्यूल करना यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वॉन्ट कि जस्ट रीशेड्यूल ना हो एंड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एटलीस्ट जो डिलीवरी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाए। चलो एक काम करते हैं, आप सबके लिए जो मीटर कैप कवर है ये निकाल देता हूँ एंड यू कैन सी द स्पीड वेरी क्लियरली। आई विल नोटिफाई यू कि जब स्पीड यहाँ पर आएगी देन आई विल जूम इन एंड शो एंड इसको क्या करते हैं, इसको जेब में रख लेते हैं, मेरा पजामा ऊपर चढ़ जाता है बार बार। चलो ब्रेक्स, टायर्स, हर चीज़ एकदम बढ़िया है, एकदम फिट है, यहाँ से हम खींचेंगे एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो एंड इसके बाद जो है ये जो कर्व आ रहा है इसके बाद आपको रोड्स मिलेंगी एकदम खाली। गियर इज़ इन द न्यूट्रल नाउ, अब इसका फर्स्ट गियर डाल देते हैं, रेस थोड़ी सी उठा लेते हैं, 3, 2, 1 फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, थर्ड गियर में 60 पहुँच गई, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर एंड इट चार्जेस 100, यस 100 पहुंच गई, बस इससे ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा एंड दिस वाज द स्ट्रेच और ये हो गया था हमारा स्ट्रेच यहाँ पे ख़त्म।
रोड पे एकदम ध्यान देते हुए आप सबको एक रीड बताते हुए मैं इसको लेकर आ गया हूँ फिफ्थ गियर तक, और इतना ब्रूटल पुश मैंने शायद इस मशीन को कभी किया हो। एंड आप तो बिल्कुल भी मत करना, अभी ये 100 पहुँच गई है, आई हैव नो आइडिया कि ये कितनी देर में पहुँची है, आपको एक घर जाके ज़रूर बताऊँगा। एंड ये ऐसे 100 पहुँचती है एकदम जाके टच हो जाती है, एंड मेरी टी शर्ट पीछे से उठ गई थी पूरी तो कोई बात नहीं, इतनी हाई स्पीड में होता है। एंड पहली चीज़ की जो मशीन है ये इसके लिए बनी ही नहीं है, ये रेस के लिए, भगाने के लिए, ये फन सी ना ब्लू मून करने वाली टेक्निक है, आप अपनी बाइक के साथ बिल्कुल ट्राई मत करना। ये बाइक ली है तो इसको भगाओ मत, इसके ऊपर डालो यार वजन, जितना डालना डालो, इसके ऊपर लगेज लगाओ, तुम हर चीज़ कर, तुम तंबू लगा लो उसके ऊपर, लेकिन इसको भगाना मत कभी। इसको भगाओगे तो तुम्हारी ना बैंड बजा देगी, सीरियसली बैंड बजा देगी, जिसका स्प्रॉकेट वगैरह ये सारे ऐसे तो ख़राब होते हैं। एंड स्प्रॉकेट चेंज करने के अंदर आपके इंजन कैबिनेट के नट्स खुलेंगे, कैबिनेट मतलब जो इंजन का चेंबर होता है उसके नट्स भी खुलेंगे, सो बी केयरफुल दैट यू डोंट डैमेज योर स्पेस इन केस कि आपको भगानी है, आपको मन कर रहा है दैट यू आर जस्ट क्रेविंग टू जस्ट स्मैश दिस बाइक इन टू द स्पीड, तो ऐसा मत करना, टेंशन फ्री चलाओ। एंड ये ईजी राइडिंग मशीन है, ठीक है, आराम से। एंड इसे काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स मैं लेकर आने वाला हूँ, मतलब आप अचंभत हो जाओगे, एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो, लॉकडाउन के चक्कर में हमारी बैंड बजी पड़ी, आप सबको मैं क्या बताऊँ। एंड आप सच्ची बताऊँ तो सरप्राइज़ पता है क्या है, ये वाइट लाइट देख रहे हो, दिस इज़ द सरप्राइज़ दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग फॉर यू ऑल, बट दिस इज़ इन द टेस्टिंग पीरियड, ये डेवलप करी है हमने एंड ये सब आप सबके लिए लेकर आएंगे। दिस इज़ कम्प्लीट रेयर LED लाइट, तो एक्साइटमेंट समझ लो। एंड इसी के लिए सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ कि आपके लिए इतनी यूनिक चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ दैट यू वोंट इमेजिन, मतलब इमेजिन करना भूल जाओगे कि यार ये क्या ले आया। तो दिस इज़ माई सरप्राइज़ फॉर यू ऑल, पहले वाले जो मॉडल्स आते थे, आई एम सेइंग टॉकिंग अबाउट द 2005 मॉडल्स, उनको चढ़ाना में ना बंदे की सांस फूल जाती थी, ये तो बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं एंड इसके अंदर कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एंड आई एम बैक होम। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे दैट वाई दिस एक्विस्टिक फोम्स इधर 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 ये सब क्यों लगी हुई है एंड वॉट इज़ द यूज, दिस इज एक्चुअली टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इन द रूम, मतलब इस रूम के अंदर सामान कम है एंड बोलता भी तेज़ हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो दीवार से आवाज़ टकरा टकरा के एक एको फॉर्म होती है, वो ना हो एंड वो कम से कम हो, तो इस चक्कर में ये लगानी पड़ी मुझे। सो गाइज, फॉर एनी रीज़न आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर मोटो व्लॉग्स एंड मोर ऐसी छोटी मोटी वीडियोज़ लाते रहेंगे। खैर, लॉकडाउन चल रहा है, आप सबके लिए जैसे मैंने प्रॉमिस किया बहुत अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ। आपने जो लाइट देखी उसका लॉन्च मैं करने वाला हूँ कुछ ही दिनों बाद, जैसे ही सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं एंड आपको भी पता है कि किन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं। सो मोर पावर टू यू गाइज, बी यू, क्रिएट न्यू, बी सेफ, बी हेल्दी, बी हाइड्रेटेड, पानी वगैरह पीते रहो। एंड फॉर एवरी वन यू हु इज कनेक्टेड विद मोटो स्टोर इंडिया, आप सबके जितने ऑर्डर्स डिले हुए हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, स्पेशली फॉर ऑल द आई ध्रुव फैमिली, हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप सबके साथ एक स्पेशल वार्निंग जनरेट करना चाहता हूँ कि अपनी स्पीड को ऐसे ट्राई मत करना, ये मैंने किया था एक काफ़ी स्पेशल रोड पर एंड इस चीज़ की मुझे आदत नहीं कह सकता, इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, ऐसे बाइक उठाने का एंड इस स्पीड को कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस है, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अगर एक न्यू राइडर हो या फिर आप राइडिंग ऑफन नहीं करते हो या फिर आप धीरे चलाने वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, सो धीरे चलाना इज़ नॉट बैड राइडिंग, इट्स एक्चुअली गुड एंड सेफ राइडिंग। सो ये मत समझना जो तेज़ चलाते थे कूल, नॉट एट ऑल, तो इस चीज़ का वहम मत रखना एंड अपनी बाइक को स्लो ही चलाना, अगर स्लो चला है तो स्लो ही चलाओ, फास्ट स्पीड मत रखो, देयर इज नो पॉइंट टू डूइंग दैट, ओके। काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, अपनी क्लासेस जो है वो कॉलेज की शुरू हो चुकी हैं, तो इस चक्कर में वीडियोस थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, तो बेयर विद मी दैट, लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून एंड कुछ कैमरा के अंदर भी अपग्रेड्स आने वाले हैं इन फ्यूचर में भी, इन अ मंथ और सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ग्रेट लेंसेज, तो देखते हैं कि ये जो लेंस है थोड़ा सा क्रॉप्ड लेंस है, थोड़ा सा वाइड एंगल में स्विच करेंगे एंड आपको नोटिफाई ज़रूर करूँगा कि कौन सा वाइड एंगल मैं लेने वाला हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी यू, क्रिएट न्यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून एंड आप बाय।